हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एग्जाम स्टॉक्स में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलते हैं सरकारी एग्जाम से जुड़ी सारी जानकारी। फ्रेंड्स, एसएससी जीडी फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुका है और फिजिकल में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं ये सारा बताऊंगा मैं इस वीडियो में, डिटेल्स में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और फिजिकल देने जाने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं फिजिकल के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है वो सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। इसके साथ फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी आपको बताने वाला हूँ कि आपको फिजिकल में क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए आप वीडियो देखिए और अंत तक देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे थे सीआरपीएफ के ऑफिशियल साइट से, तो आपको एक पीडीएफ भी मिला था जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आपको फिजिकल में क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या रूल्स हैं, तो सारे कुछ दिया गया था। उसमें इंपॉर्टेंट चीज भी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी दिया गया था दोस्तों कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना है। अगर आप रिलैक्सेशन पा रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवा के जाना है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ था उसमें कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया था जो आपको कैरी करना है। तो पहले देख लेते हैं उसके बारे में क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एडमिट कार्ड में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट कैरी फोर रिसेंट फोटोग्राफ्स। आपको फोर चार अपने फोटोग्राफ्स लेकर के जाना है। उसके साथ साथ मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप एक दो फोटोग्राफ्स अपने एक्स्ट्रा भी रखिएगा, हो सकता है जरूरत पड़ जाए। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज से इशू किया गया कोई सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है। और फ्रेंड्स, इनमें से कोई एक लेकर के जाना है। आप कोशिश कीजिएगा कि एक या दो लेकर के जाएं। उसके साथ साथ उसके कुछ फोटो प्रिंटआउट भी लेकर के जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उसका कलर प्रिंटआउट भी आप एक दो रख लीजिएगा, वो भी लेकर के जाना है। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं पीडीएफ की और पीडीएफ में देखते हैं डिटेल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, वो सारा डिटेल में दिया गया है। मैं आपको एक एक डिटेल में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सीआरपीएफ के ऑफिशियल साइट से पीडीएफ डाउनलोड करके आपके सामने लेकर के आया हूँ। और इसमें दोस्तों दूसरे ही पैराग्राफ में दिया गया है कि जिन विद्यार्थियों को, यानी मैं ये बहुत लॉन्ग में दिया गया तो मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे दिया गया फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स जो भी कैंडिडेट हैं उनको हाइट और चेस्ट में जिनको रिलैक्सेशंस मिले हैं उनको एक अपना रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट बनवाना है और उसका एक स्व हस्ताक्षरित फोटोकॉपी आपको लेकर के जाना है। फोटो स्टेट करा के उसका एक रखना है। और उसके बाद फ्रेंड्स, लिखा गया है कि अगर ऐसा नहीं मिलता है, वो डॉक्यूमेंट फेंक पाया जाता है या फिर उसमें कोई रिलैक्सेशन की बात नहीं की जाती है या फिर आप ये बनाने में असमर्थ रहते हैं तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और इसके विरुद्ध कोई भी अपील सुनाई नहीं जाएगी। अतः ये अच्छी तरह से सुनिश्चित कर ले कि आप परीक्षा विज्ञप्ति की मांग की गई पात्रता के शर्तों को पूरा करें। जो भी उनका शर्त है वो आप फॉलो करते हैं कि नहीं, तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्यूमेंट बनाना है आपको। तो फ्रेंड्स, आप ये डॉक्यूमेंट बनाएं, उससे पहले मैं इसका प्रारूप दिखा देता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट होता कैसा है। चलिए प्रारूप की ओर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने यही वो प्रारूप है जिसमें आपको यह सर्टिफिकेट बनवाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय द दोज कैंडिडेट हु इंटेंडेड टू अवेल रिलैक्सेशन ऑफ हाइट एंड चेस्ट। तो हाइट और चेस्ट में जो भी रिलैक्सेशन वाले छात्र हैं उनके लिए यह सर्टिफिकेट बनवाना इंपॉर्टेंट है। आप ये लेकर के जाइएगा तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इस फॉर्म का पीडीएफ का लिंक मैं दे दूंगा दोस्तों। ये आपको बता दूं कि एसएससीजीडी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें यह पीडीएफ अटैच किया हुआ था, तो इसका लिंक दे दूंगा। आप डाउनलोड करके यह पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और जल्दी से सर्टिफिकेट अपना बनवा लीजिए अगर आप रिलैक्सेशन पाना चाहते हैं। और बढ़ते हैं दोस्तों अगले डॉक्यूमेंट की ओर कि अगला डॉक्यूमेंट आपको कौन सा चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ फिर से उसी पीडीएफ पे जिसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ तीसरे नंबर का पैराग्राफ आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया कि शारीरिक मापदंड शारीरिक क्षमता परीक्षा है तो अपना प्रवेश पत्र लाना अति आवश्यक है। यानी जो प्रवेश पत्र आप डाउनलोड कीजिएगा उसको आपको ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका कलर फोटोग्राफ कलर प्रिंटआउट आप एक दो निकाल लीजिएगा, उसको लेकर के जाना है। और उसके बाद फ्रेंड्स, लिखा गया है कि उम्मीदवार को शारीरिक मापदंड शारीरिक परीक्षा यानी जो फिजिकल होने वाला है उसमें प्रवेश पत्र में उल्लिखित केंद्र पर ही प्रवेश दिया जाएगा। जो केंद्र इसमें दिया गया है आपका एडमिट कार्ड में, आपको वही केंद्र पे जाना है, वहाँ ही आपको एंट्री मिलेगी। और इसके बाद दोस्तों लिखा गया है कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि आप अपना सेंटर चेंज कर लें या फिर कोई डेट परिवर्तन आप, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको जो डेट यहाँ मेंशन किया गया आपके एडमिट कार्ड पे, आपको उसी डेट पे जाना है। अगर दोस्तों इसके बाद वाले पैराग्राफ की बात करें चार नंबर का, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसमें भी आपको लिखा गया जो एडमिट कार्ड में लिखा गया फ्रेंड्स, इसमें भी वही लिखा गया है, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया फ्रेंड्स, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर अपनी पहचान का एक फोटो लगा कम से कम एक साक्ष्य एक सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। जैसे कि फ्रेंड्स, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल व कॉलेज द्वारा जारी परिचय पत्र। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये एक कैरी करके जरूर ले जाइएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कम से कम दो रख लें। और अगर फ्रेंड्स ऐसा आप लेकर के नहीं जाते हैं तो आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और आपका डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आप इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छी तरह से। और फ्रेंड्स, आपको बता दो अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और आप फिजिकल देने जाइएगा तो उससे पहले ये पीडीएफ एक बार पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और कुछ इंपॉर्टेंस अगर चीज़ छूट भी रहा है तो आप इसमें पीडीएफ को पढ़ के आप सही कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स तैयार फ्रेंड्स एक दो दिन पहले ही कर लीजिएगा, हो सकता है हड़बड़ी में आपका डॉक्यूमेंट छूट जाए,
इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपका किसी भी प्रकार से फिजिकल में कोई बाधा पहुंचे, इसलिए आप अपना फिजिकल के लिए तैयार हो जाइए पहले से और डॉक्यूमेंट सारा रेडी कर लीजिए। अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला पॉइंट देखते हैं 10 नंबर का। इसमें फ्रेंड्स लिखा गया है शारीरिक मापदंड यानी फिजिकल में आने वाले सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने साथ 4 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, फ्रेंड्स एडमिट कार्ड में जो लिखा गया है यहाँ पे वही लिखा गया है कि आपको 4 अपने पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जाना है और केंद्र केंद्र में आपका विवरण भरते समय, यानी दोस्तों आपका जब फिजिकल हो जाएगा ना उसके बाद पीटी पीएचटी जो होता है उसके बाद आपको कुछ फॉर्म दिए जाते हैं भरने के लिए, तो उनमें आपका हो सकता है फोटो यूज हो, तो इसलिए आप 4 फोटोग्राफ्स नवीनतम लेकर जाएगा। मैं दोस्तों आपको सजेस्ट करूंगा आप 1-2 फोटोग्राफ ज्यादा ही लेकर जाइएगा जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ एक स्पेशल टिप्स आपको बता देता हूँ कि आपको अपना गम साथ में लेकर के जाना है, वहाँ कोई आपका हेल्प करने के लिए नहीं होगा, इसलिए आप अपना गम और जो भी रिक्वायरमेंट है आप अपने साथ लेकर के जाइएगा, आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, आप किसी भी प्रकार के टेंशन से मुक्त रहिएगा, इसलिए ये काम जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट जो है फ्रेंड्स वो एक्स सर्विसमैन के लिए है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 18 नंबर का पैराग्राफ। मैं इसमें बता देता हूँ फ्रेंड्स कि जो भी एक्स सर्विसमैन हैं उनको फिजिकल नहीं लिया जाएगा, यानी दौड़ नहीं कराया जाएगा, उनका डायरेक्ट शारीरिक मापदंड यानी चेस्ट हाइट ये सब मापा जाएगा। और उसके बाद लिखा गया फ्रेंड्स इन भूतपूर्व सैनिकों का शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं की जाएगी, यानी वही बात है फिजिकल में रनिंग आपका नहीं होगा, इन्हें गहन चिकित्सा परीक्षण में अर्हता प्राप्त करनी होगी और चिकित्सक जो परीक्षा होगा उसमें इनको भागीदारी लेना पड़ेगा, उसमें आपका ये सारा डिटेल से पढ़ लीजिएगा जो भी एक्स सर्विसमैन है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है ओबीसी के लिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर फ्रेंड्स मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था कि आपको सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, अगर आपका 3 साल पुराना सर्टिफिकेट है तो उसको कैसे रिन्यूअल कराना है और क्या क्या डिटेल्स है, तो वो फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पे वीडियो पूरा दिया हुआ है। और इसमें फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा गया फ्रेंड्स अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को सुनिश्चित किया अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि उनके पास परीक्षा विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में वैध ओबीसी प्रमाण पत्र है, जो प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के अंतिम तिथि यानी प्रार्थना पत्र यानी जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था यानी 20/8/2018 को के 3 साल के भीतर जारी किया हुआ होना चाहिए, मतलब 3 साल उससे 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद लिखा गया है फ्रेंड्स कि अन्यथा वे शारीरिक क्षमता परीक्षण में अपने जोखिम पर बैठेंगे, और ऐसा अगर नहीं है, अगर सर्टिफिकेट आप 3 साल पुराना लेके जाते हैं तो वो अपने जोखिम पर बैठेंगे, और यदि एवं अन्यथा पाया जाएगा तो पत्रता निरस्त की मतलब डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा और उनका कैंडिडेचर भी रद्द कर दिया जाएगा अगर ऐसा नहीं पाया जाता है। तो आप यह देख ले, वीडियो भी देख ले, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको SSC DD फिजिकल के लिए कुछ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया, कुछ स्पेशल आपको टिप्स भी दिया, तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। और फ्रेंड्स आपको लगता है कि आपके कुछ डाउट क्लियर नहीं हुए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। आप फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं और आपका कितना समय लग रहा है 5 किलोमीटर रनिंग में, तो वो भी कमेंट कीजिए ताकि और बच्चे में मोटिवेट हो आपको देख करके। उम्मीद है फ्रेंड्स कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दे सबसे पहले और उसके बाद फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि SSC DD से कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।